क्या हुआ? रोज ऑफिस आकर इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहती है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में मैं एक लड़की हूँ. और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो. पर अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, ये सोसाइटी वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सीरियसली यार, जब भी कोई बोलता है ना कि वेमेन से बनाने की क्या जरूरत है, आजकल सब इक्वली है, मन करता है मुंह में कुछ ठूस के दे दूं. ट्रस्ट मी, आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने. अबे काहे की जेंडर पैरिटी, कौन सी इक्वल पे, काहे की खुशियां. हनी, डार्लिंग करके बुलाने वाले कलीग्स का होने का मतलब ही होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस. मैं बता रही हूँ, ये जो पढ़े लिखे सेक्सिस होते हैं ना, उनको कोई समझा नहीं सकता. नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एट वर्कप्लेस इज जस्ट अ मिथ. तू ये अपने कलीग्स को ही देख ले, जब तक प्रमोशन नहीं मिला था तब तक बोलते थे तुम तो कुछ करती नहीं हो, तुम अनडिजर्विंग हो, तुम टीम एफिशिएंसी पर बर्डन हो. तुम्हें तो सिर्फ जेंडर रेशियो मेंटेन करने के लिए रखा गया है. और जिस दिन गलती से भी प्रमोशन हो भी गया, तो उस दिन कहेंगे अरे वाह, ये तो होना ही था. मैनेजर को फेवर दिए होंगे, ओवरनाइट ट्रिप्स करी होंगी. हम तुम्हारे अंडर कैसे काम कर सकते हैं? Yes, because all they want is to be on top of us. सब साला ये सोसाइटी की कंडीशनिंग का दोष है, ब्लडी सेक्सिस्ट पेट्रियार्कल अपब्रिंगिंग. शादी की जगह अगर लड़की करियर पे फोकस करना चाहे तो प्रॉब्लम, शादी के बाद अगर लड़की काम करना चाहे तो सेल्फिश हो रही है. अरे इतना भी नहीं अच्छा लगता यार. और इन लोग की मैंसप्लेनिंग कभी खत्म नहीं होती है. कभी ये करो, कभी वो करो, ये गुड फेमिनिस्ट, ये बैड फेमिनिस्ट. अरे भाई मूवमेंट है, कोलेस्ट्रॉल नहीं. और इससे भी इनका मन नहीं भरता, साल भर में कुछ ना कुछ शोविनिस्ट हरकतें करेंगे. अगर ऑफिस गैदरिंग में मैं हंस दूं तो बोलेंगे यू आर बीइंग टू लाउड एंड नॉट लेडी लाइक. अगर सेक्सिस्ट जोक्स पर ऑब्जेक्शन ले भी लिया तो बोलेंगे वी आर नॉट बीइंग अ स्पोर्ट, आई नीड टू चिल. साला एचआर के पास इतनी कंप्लेंट्स होंगी ना हैरेसमेंट की, कि अगर रद्दी में बेचने भी जाओ ना तो महीने भर का खर्चा निकल जाए. रंगोली से लेकर ऑफिस डेकोरेशंस तक हम करें, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में पीपीटी को सुंदर हम बनाएं, पर सारा टेक्निकल काम लड़के संभालेंगे. एवोल्यूशन के टाइम पर भगवान या डार्विन ने ऐसा कहा था क्या कि लड़के टेक्निकल होते हैं और लड़कियां नहीं? मुझे तो नहीं मिला ऐसा कोई मैसेज. ऑफिस में मैं काम कर रही हूं तो गर्ल्स और रिलेशनशिप्स को लेकर हैंगआउट्स पर एक स्टीरियोटाइपिकल क्वेश्चन आना ही है. फिर एक बार जवाब दे भी दो तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल. अभी ये लोग काम क्या करते हैं ऑफिस में? एक बार मैं इन लोगों को टोक भी दूं तो कहेंगे व्हाई आर यू सो अननॉयड, इज इट दैट टाइम ऑफ द मंथ? मतलब साला बेसिक ह्यूमन इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए भी पीरियड्स आने जरूरी है क्या? लोग कहते हैं ना बिहाइंड अ वुमन हु मैनेजेस एवरीथिंग एंड डज इट ऑल इज द सोसाइटी दैट हेल्प्स हर. माना, पर ये कोई नहीं बताता बिहाइंड दिस कंडीशनिंग ऑफ एवरी वुमन दैट शी मस्ट डू इट ऑल इज आल्सो द सेम सोसाइटी. फैमिली नीड्स और करियर को बैलेंस करने का ठेका क्या सिर्फ हमने लिया है? 10 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद घर आकर खाना क्या सिर्फ वाइफ बनाएगी? इट्स 2020, खाने से लेकर नहाने के साबुन तक के डिलीवरी ऐप्स हैं मार्केट में. पता नहीं ये बेसिक ह्यूमन डिसेंसी कौन डिलीवर करेगा. अब समझ में आया कि आज के दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों बोलते हैं और लोगों को इससे इतनी प्रॉब्लम क्यों है. क्योंकि देश कोई भी हो, there is always an outdated society to screw our happiness. It's ridiculous, यार. वो periods वाला मेरे साथ भी हुआ था.